Okay, so good evening everyone. This is our first class for computerized accounting and hum log aaj thoda introduction karenge and accordingly we will move ahead. Okay, so let me first share the screen. Okay. Can you see this Teleprime icon? Yes, sir. Okay, okay. Now, आप लोगों का भी ये वाला पेज आया क्या? सेलेक्ट कंपनी पेज. देखिए आप लोग जब टैली आइकन में डेस्कटॉप में शॉर्टकट आइकन बन गया होगा द मोमेंट यू हैव इंस्टॉल्ड आपके डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट आइकन बन गया होगा एंड उसमें जब आप ओपन करेंगे चार ऑप्शन दिखाएगा आपको कंटिन्यू एजुकेशनल मोड यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क एंड रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस राइट. सो इसमें क्या होता है आप लोगों को मालूम है वी आर डूइंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग राइट. तो जो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग में काफी सारा हिंड्रेंसेस आता है जैसे हिंड्रेंसेस एज टू अगर कोई अकाउंट का हमने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया या मान लीजिए अपने हमने कोई अकाउंट का टोटल गलत निकाल लिया या पोस्टिंग गलत कर दी राइट. कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में काम करने से ये क्लेरिकल एरर्स है ये सब एरर्स होगा ही नहीं. इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट एरर्स. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करने से काफी सारा रिपोर्ट्स आप इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं एज इन यू सिंपली पास जर्नल एंट्री लेजर अपने आप बन जाएगा. आपको लेजर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. लेजर यू कैन मेक देन एंड देयर अपने आप बनेगा. जो ट्रायल बैलेंस है वो भी अपने आप बनेगा. जो फाइनल अकाउंट है वो भी अपने आप बनेगा. रेशियो एनालिसिस भी अपने आप हो जाएगा. राइट. सो इन सब चीजों में आपको ज्यादा मेहनत करने का दरकार नहीं है. द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज पास जर्नल एंट्री अपने आप पूरा अकाउंटिंग हो जाएगा. अभी तक अपन अकाउंटिंग का मतलब क्या समझते थे? जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, पीएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, रेशियो निकालो. बट अभी खाली जर्नल एंट्री पास करेंगे अपने आप सब कुछ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट होके बन जाएगा. तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सबसे पहले हमको एडवांटेज समझ गया सर. हम नंबर वन काफी सारा क्लेरिकल एरर्स इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जैसे रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग क्योंकि ये सब सिस्टम खुद करता है एंड कंप्यूटर कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स राइट. एंड सेकेंडली साइमल्टेनियस कैलकुलेशंस हो रहे हैं. लाइन क्यों आ रहा है सर? ठीक है राइट. सो अगर मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आपको लाइट जाली दो लाइट ऑफ अगर मैं आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बेनिफिट्स बताऊं इट एलिमिनेट्स क्लेरिकल एरर्स रियल टाइम प्रोसेसिंग राइट वेरियस रिपोर्ट्स can be generated easily right. काफी सारा reports भी हम लोग easily generate कर सकते हैं. clear. अभी अगर मैं खाली इसका features बताने जाऊं ना तो पूरा एक class लग जाएगा खाली इसका features बताने के लिए. just मैं आपको एक समझा रहा हूं कि manual accounting में काफी सारा challenges था business का. अब जैसे suppose करो GST आ गया है तो GST का filing करना पड़ता है.
जैसे हर मंथ हमको अपना सेल का फिगर गवर्नमेंट को बताना है, आई हैव टू कम्युनिकेट माई सेल फिगर टू द गवर्नमेंट, राइट? एवरी मंथ कम्युनिकेट माई सेल फिगर टू द गवर्नमेंट, ठीक है? हर महीना मेरा सेल फिगर मेरे को मेरा गवर्नमेंट को बताना पड़ता है ना। होगा क्या अगर मैं मैनुअल अकाउंटिंग करूंगा, देन व्हाट विल हैपन? अगर मैं मैनुअल अकाउंटिंग करूंगा तो क्या होगा बोलो? अगर मैं मैनुअल अकाउंटिंग करूंगा तो मेरे को पूरा महीने का सेल्स का टोटल करना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू कम्युनिकेट दैट फिगर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में अकाउंटिंग करने से क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट, द सॉफ्टवेयर विच आई एम यूजिंग टू डू द अकाउंटिंग, उसमें इनबिल्ट ये फीचर है कि वो हर महीने का मेरे को सेल बताएगा, एंड वो जिस फॉर्मेट में बताएगा दैट फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल बाय द गवर्नमेंट। मतलब द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्मेट इट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग, राइट, वेबकैम दूसरा लेके आओ, सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग इस तरीके से नहीं किया हुआ है कि सिंपली इट विल गिव मी द फिगर, राइट? ओके, ठीक है, व्हाट माय पॉइंट? तो काफी सारा रिपोर्ट्स ऐसा होता है जो हमको इंस्टेंटली चाहिए, एंड एक टाइम बाउंडेड काम भी होता है। गवर्नमेंट का जितना भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सब टाइम बाउंडेड है। तो हम लोगों ने ये जो कोर्स डिजाइन किया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, इसमें हम लोग आपको मेनली टैली एप्लीकेशन सिखाएंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एप्लीकेशन for the purpose of doing accounting, and काफी सारा inbuilt features हैं इसमें, काफी सारा आप खरीद सकते हैं, add-ons हैं, right? जैसे ICICI bank का statement आपके tally में आ जाएगा ना, अपने आप आपका accounting entries हो जाएगा। अभी recently इन्होंने क्या किया है, GST में जो 282B अपने reconcile करते थे, वो auto reconciliation feature डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमको पहले इसका इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे डालते हैं वो सीखना है, एंड फिर इसका यूज कैसे करना है इन ऑर्डर टू मीट आवर डे टू डे चैलेंजेस। ये सबसे बड़ा टास्क है हमारा, राइट? सो टुडे आवर फोकस विल बी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द गेटवे ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, एंड वी विल डू फ्यू एंट्रीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी द रिपोर्ट्स एंड हाउ वी कैन फेच डाटा एंड हाउ वी कैन यूज इट फॉर आवर एनालिसिस पर्पस, राइट? समझ में आ गया अभी तक का डिस्कशन से सबको मोटा मोटी? चलिए, सो नाउ यू विल सी फोर ऑप्शंस, आपको चार ऑप्शंस दिखाई देंगे, राइट? जब आप टैली का एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, आपको दिखाएगा एजुकेशनल मोड, आपको एजुकेशनल मोड दिखाई देगा, यूज license from network, deactivate existing license, activate new license, right? So basically ये जो software जो है ना, कोई भी accounting software जब आप, अच्छा और एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आप किसी और सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर सकते। इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू वर्क इन वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यू कैन वर्क इन एनी सॉफ्टवेयर यू वांट। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आप और किसी सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाएंगे। सारा सॉफ्टवेयर का काम एक ही रहता है, इसलिए मैंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दिया है।
विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यूजिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू विल डू अकाउंटिंग राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप टैली सीखेंगे तो आप और कोई सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाएंगे, सारे सॉफ्टवेयर का काम एक ही होता है राइट। यू माइट हैव सो मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अकाउंट्स, आपके पास फेसबुक में भी अकाउंट होगा, व्हाट्सएप भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, स्नैपचैट भी होगा, सब कुछ होगा, बट अल्टीमेटली होता क्या, आप एक में फोटो डालते सब और मोटा मोटी प्रोसेस का वही रहता है कि आप अपना बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ हैं, सब कुछ आप अपना स्टेटस शेयर कर रहे हैं राइट। किसी में दबा देने से दिल निकल जाता है, किसी में दबा के रखने से दिल निकलता है राइट। द प्रोसेस अल्टीमेटली इज डिफरेंट बट काम वही हो रहा है, आप अपना बता रहे हैं कि एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू समवन ट्राइज टू शो ऑफ, समवन ट्राइज टू टेल पीपल कि हम ये कर रहे हैं, आई एम फीलिंग जॉयफुल, आई एम फीलिंग सैड राइट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू शुड परफॉर्म बट अल्टीमेटली इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए, काम सबका वही है, सबका ढांचा रंग रूप अलग होता है, इट इज अ शेप, इट इज अ लेआउट, इट इज अ कलर विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स। किसी में कुछ एड ऑन्स होगा, किसी में कुछ कम होगा राइट। जैसे आप मार्केट में और बहुत जन भी टैली सिखाता है तो बोलेगा या वहां चलते वो ऐसा सिखाता है, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको 10 सिखाऊंगा तो कोई 9 सिखाएगा, कोई 11 सिखाएगा, अल्टीमेटली एवरीवन इज द सेम राइट। सो आपको बेसिकली सीखना है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग खाली टैली एप्लीकेशन ही नहीं सिखाएंगे आपको, जो भी बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं जैसे GST, TDS, बैंकिंग, वो सब भी काफी सारा फीचर्स इसमें एड ऑन है। सो बेसिकली वी विल वर्क इन हाइब्रिड मोड, फ्यू जो बेसिक टॉपिक्स होंगे दैट आई वोंट कवर इन द लाइव सेशंस, वो मैं आपको प्योर रिकॉर्डिंग दूंगा, एंड जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे GST, TDS, बैंकिंग, ये सब उसको हम लोग पूरा मेन अपना इसमें कवर करेंगे लाइव क्लासेस में राइट। ओके, मेरे साथ हमारा ट्रेनर भी रहेगा मिस्टर यश अग्रवाल, सो फ्यू सेशंस ही विल ऑल्सो टेक right, he's an expert in tally and he's been associated with us for the past 1.5 years. Okay, so today is not there with us, but soon or the later you will see him. Okay, delivering lectures on GST, TDS, banking, right? Okay, chaliye, so aaj hum log shuru karte hain right, let us start. So basically isme kafi sare features hain, agar koi simply first video dekhta hai एंड देन ही डिसाइड्स कि नहीं मेरे को टैली नहीं करना है तो उसका ये सबसे बड़ा भूल होगा राइट। मैं बता नहीं सकता, मैं अगर बताने जाऊंगा तो बहुत मैं दिखाऊंगा रादर देन सेइंग ओके। सो अभी अपन को क्या करना है, ये चार हमारा यू विल फाइंड दीज फोर ऑप्शंस, वेलकम टू टैली प्राइम, ये चार ऑप्शन दिखाएगा आपका। ये पेड सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीद लीजिए पेड होता है, तो इसमें आप एक कंप्यूटर में चला सकते हैं, तो आपको सिल्वर प्लान लेना है, सिल्वर प्लान का रफली अराउंड 18,000 प्लस GST है, और अगर आपको मल्टीपल कंप्यूटर में चलाना है तो इट इज 54,000 प्लस GST राइट। इफ यू वांट टू रन इट इन वन सिंगल कंप्यूटर इट इज 18,000 प्लस GST, और आपको मल्टीपल कंप्यूटर में चलाना है इट इज 54,000। मल्टीपल कंप्यूटर में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है, वहां पे आप लाइसेंस को इंस्टॉल करते हैं, एंड बाकी सारा कंप्यूटर आपका लैन इथरनेट केबल से कनेक्टेड होता है, तो वो बाकी सारे कंप्यूटर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क करते हैं। सो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस इन केस ऑफ सर्विस प्लान, activate new license in case of gold plan for the main computer, and for other computer it is use license from network right। now kai bar kya hota hai ki aapka wo ud jata hai software, koi problem nahi hai, wapas se aap reinstall kar sakte hai usko, to aap reactivate existing license, but sir humne to kharida nahi hai, to hum log educational mode mein hamara kaam karenge, educational mode mein aur paid mode mein koi farak nahi hai, the only difference is that in paid mode you can do entries in all days of the year, but in case of educational mode you can do entries only on the first 2 days of the year। मैं आपको educational mode में मैं काम करूँगा, because हमारे office में यही है। अगर मैं educational mode में काम मैं main mode में काम करूँगा, क्योंकि हमारे office में यही है। अगर मैं main mode में काम नहीं करूँगा तो मैं आपको GST filing वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा, which is very important, right? तो ये सब चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे को main जो version है उसमें काम करना पड़ेगा। So that I can show you किस तरीके से TDS reports generate होता है, किस तरीके से हम लोग TDS के entries करते हैं, right? ये सब मैं आपको live दिखाऊंगा। Anyway, आइए, let us start. So ये हमारा application है, हमने already कर रखा है। तो आपके यहाँ पे आप कोई भी company नहीं देख पाएंगे। You won't find any company out here, right? आपका ये पूरा blank होगा, क्योंकि मैं इतना सारा मेरे clients हैं। तो ये अकाउंट्स में मेरा काफी सारा कंपनी बनाया हुआ है,
राइट, आप देख पा रहे एक ही नाम का तीन तीन साल का अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, मतलब यू कैन डू मल्टीपल कंपनीज का अकाउंट, मल्टीपल ईयर का अकाउंट, राइट। हर कंपनी के बगल में फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है एंड एक कोड भी है, देखिए 10027, 10039, इस नाम से कंपनी आपका डेटा पाथ में जाके सेव हुआ है। एनीवे, बट आज हम लोग को नया कंपनी बनाना है, हमारा कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है नहीं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू क्रिएट कंपनी। सभी कोई क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो इस तरीके से आपका स्क्रीन खुलेगा, राइट। तो सबसे पहले आपका ऊपर में डेटा पार्ट दिखाएगा, जैसे मेरा मेरा ये गोल्ड प्लान है, तो दिस इज माय सर्वर क्लासरूम 3-tally/tally prime डेटा, ये हमारा सर्वर है, ये कहीं और है तो हमने यूज लाइसेंस और नेटवर्क किया, तो हमारा ये प्लान चल रहा है। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में देख सकते हैं टैली प्राइम गोल्ड आपका एडू दिखा रहा होगा, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन 22-23, ये हमारा कंपनी का नाम है जो हम टैली में यूज करते हैं, कंपनी का शॉर्ट नेम एंड कौन सा ईयर का कंपनी है, एंटर। लेकिन इस कंपनी का जो बिल बनेगा, जो रिपोर्ट बनेगा, वो तो इस नाम से बनेगा नहीं, कंपनी का बिल और रिपोर्ट तो इंट्रोडक्शन पूरा नाम, कंपनी का पूरा नाम क्या है, सपोज करो इंट्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। इंट्रोडक्शन 22-23 क्या है, इंट्रोडक्शन 22-23 मेरा नेम विच आई एम यूजिंग इन द सॉफ्टवेयर, वैसे नेक्स्ट ईयर होगा इंट्रोडक्शन 23-24, बट मेलिंग नेम विल बी इंट्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेलिंग नेम इज द नेम विच इज यूज्ड इन वेरियस रिपोर्ट्स, राइट, एंड कंपनी नेम इज द नेम विच इज यूज्ड इन टैली। एड्रेस डालना है तो डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं, एंटर दबाइए। स्टेट में देखिए इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा है, WE टाइप करिए, देखिए वेस्ट बंगाल आ जाएगा, इंडिया है कंट्री, पिन कोड 7000 40, टेलीफोन नेम वगैरह डाल के कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, एंटर दबा के इधर आइए। अभी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग हुआ 1-4-22, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग होगा 1-4-23, आपका 22-23 है ना, 22-23 मतलब अप्रैल 22 में कंपनी शुरू हुआ और बुक्स भी अप्रैल 22 में, यहाँ पे ईयर एंड नहीं डालते अपन यहाँ पे ईयर एंड नहीं डालते, ऑटोमेटिकली 12 महीना बाद साल बंद कर देगा बोलो, राइट। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे काफी सारा और भी ऑप्शन दिखा रहा है, तो अभी सभी को ही देखना है, टैली में हमेशा आप याद रखना, आप कभी भी कोई चीज बना रहे हो या देख रहे हो, हमेशा आप चाहें तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, देखिए राइट हैंड साइड बॉटम में F12 कॉन्फ़िगरेशन है, F12 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ये सारा चीज ऑन करेंगे, इन सबको मैं यस कर दूं, Y एंटर, तो ये मेरा स्क्रीन आपके तरह हो जाएगा, मतलब आपका स्क्रीन मेरे तरह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडिट लॉग से अपने को अभी मतलब नहीं, बिकॉज दीज आर एडवांस फीचर्स, राइट। आप चाहें तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं, बट अभी अपन नहीं डालेंगे, राइट। लेट अस अज्यूम कि आई एम द ओनली अकाउंटेंट, कंट्रोल यूजर एक्सेस, बेसिकली ये गोल्ड प्लान वालों लोग के लिए है, आप हर आदमी को अलग अलग कंट्रोल एक्सेस दे सकते हैं कि भैया तू परचेस का काम करेगा, तू सेल का काम करेगा, तुम कैशबुक का काम करेगा, तुम रिसीट का काम करोगे, तुम पेमेंट का काम, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स यू कैन डिवाइड, राइट।
तो ये मेन आदमी पहले अपना एडमिन पोर्टल बनाएगा एंड उसी हिसाब से ये कंट्रोल यूजर एक्सेस दे सकता है सबको। एनीवे फिर नीचे अपना करेंसी डिटेल वगैरह है, रुपीस का सिंबल है, डेसिमल के बाद वाले को पैसा बोलते हैं, INR, टू डेसिमल प्लेसेस, ये सब डिटेल्स हैं। तो अपने एंटर दबा दबा के नीचे नहीं आएंगे, देखिए नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, एक्सेप्ट के बगल में ए है और ए के नीचे में दो अंडरलाइन है, अगर आपका एक अंडरलाइन होता है तो ऑल्ट वर्ड यूज करेंगे, अगर आपका दो अंडरलाइन है तो कंट्रोल वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग दबाएंगे कंट्रोल ए, क्या दबाएंगे कंट्रोल ए एक बार, देखिए बफर हो रहा है, तो ये हमारा फीचर पे जाएगा, ये हमारा फीचर पे जाएगा। अभी आपका फीचर पेज भी ऐसा ही होगा राइट, तो ये फीचर पेज को बड़ा कर सकते हैं, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। नाउ इस कंपनी में काफी सारा एड ऑन्स, मतलब क्या क्या फीचर आप लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे को सारा फीचर क्या क्या है वो देखना है, तो मैं ऊपर जाऊंगा अप एरो, सो मोर फीचर को मैंने यस करना है, फिर ऊपर जाऊंगा सो ऑल फीचर को मैं यस करूंगा। तो इस तरीके से आप इतना सारा फीचर ऑन कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखिएगा चार फीचर हमेशा यस रहेगा। कौन कौन सा चार फीचर हमेशा यस रहेगा, कोई भी कंपनी बनाएंगे तो ये चार काम तो आप करेंगे ना, नॉर्मल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, मेंटेन अकाउंट्स यस, एनेबल बिल वाइज एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब आप एक आदमी का अलग अलग हिसाब रख सकते हैं, अलग आदमी का तो अलग अलग हिसाब होगा ही, अलग अलग आदमी का तो अलग अलग हिसाब होगा ही, प्लस अगर आप एक आदमी को पांच बार बेच रहे हैं पांच अलग अलग दिनों में तो सबका ड्यू डेट अलग अलग आएगा, तो उसका हिसाब भी आप रख सकते हैं, इसको बोलते हैं एनेबल बिल वाइज एंट्री। अपन को डेटर क्रिएटर वाइज तो करना ही है, साथ में बिल वाइज भी मेंटेन करना है, तो अकाउंटिंग पार्ट तो होगा ही सॉफ्टवेयर में, प्लस ट्रैकिंग भी होगा, दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर बीपीएन बिल्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, आपका डेटर कितना दिन उधार है, कौन सा डेटर कितना दिन पैसा नहीं दिया, किस क्रेडिटर का ड्यू कितना दिन में आने वाला है, ये पूरा एनालिसिस आप इससे कर पाएंगे इस फीचर से। कॉस्ट सेंटर भी छोड़ दीजिए, एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपने लेटर पार्ट में देखेंगे, मेंटेन इन्वेंट्री बहुत बड़ा बात है, ये अकाउंटिंग करते वक्त अपन जब मैनुअल अकाउंटिंग करते तो अपन कभी भी इन्वेंट्री का हिसाब नहीं रखते थे, लास्ट में या तो अपन स्टोर लेजर बनाते अलग से या अपन लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करके इन्वेंट्री निकालते हैं, बट यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री मतलब जब आप परचेस करेंगे तो आप बता दीजिए जब कितना क्वांटिटी खरीदे, सेल करते वक्त भी आप बता दीजिए आपने कितना क्वांटिटी बेचा है, अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, आपको माथा लगाने का दरकार नहीं है। तो मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट कर दिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक अपने आप आएगा राइट। बाकी नीचे सारा फीचर्स बाद में बात करेंगे, जीएसटी अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने जीएसटी को नो कर दिया है, पीडीएस वगैरह सब नो रहेगा, ये सब अपने बाद में सीखेंगे। राइट नाउ एनेबल ब्राउजर एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस से कोई मतलब नहीं, इसको नो कर दीजिए, अपन को कोई मतलब नहीं अभी इसे, पेरोल वगैरह सब नो रहेगा, तो चार फीचर खाली यस रहेगा, मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज एंट्री, मेंटेन इन्वेंटरी, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, ये चार फीचर यस रहेगा, बाकी सब नो रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। अभी यहाँ पर भी नीचे देखिए एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बगल में ए के नीचे दो अंडरलाइन है, सो अगेन कंट्रोल है, हमारा गेटवे पेज आ जाएगा। राइट तो जिस कंपनी में आपको काम करना है या तो आप क्रिएट कर लीजिए या वो लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हमेशा राइट। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, कंपनी को सेलेक्ट करना या क्रिएट करना, और गेटवे पेज, दिस इज द गेटवे पेज, उसको सेलेक्ट कंपनी पेज बोलते हैं, इसको गेटवे पेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है गेटवे ऑफ टैली राइट हैंड साइड में। अब जब इस कंपनी में अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर करने, कोई रिपोर्ट देखना है, तो सब गेटवे पेज से ही होगा राइट। चलिए तो लेट अस डू असाइनमेंट वन, असाइनमेंट वन पढ़िए। ग्रुप में देखिए आया होगा असाइनमेंट वन,
कंपनी क्रिएशन हो गया, नेसेसरी फीचर ऑन कर दिया, अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोला है, परचेज फर्नीचर बोला है, ओपनड अ बैंक अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक, परचेज 10 पीस डेल कंप्यूटर, सोल्ड 7 पीस डेल कंप्यूटर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बोला है, रिसीव 50,000 फ्रॉम वर्मा एंड पेड टू शर्मा 40,000। राइट चलिए सो अभी मैं आपको पूरा आइए तो सबसे पहले अपन मास्टर का बात करेंगे। The master में you can see create alter chart, right? Create का ऑप्शन है, alter का ऑप्शन है, chart का ऑप्शन है, मतलब आपको सारे ledgers बनाने पड़ेंगे, जैसे capital हो गया, cash हो गया, furniture हो गया, ICICI bank हो गया, purchase हो गया, sale हो गया, Sharma हो गया, Verma हो गया, depreciation हो गया, तो सारे ledgers आप masters में बनाएंगे, अगर कोई गलत बन जाएगा तो आप alter में alter कर सकते हैं, chart of accounts में आप देख सकते हैं। राइट माउस का इस्तेमाल नहीं करना, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये चार एरो साइन आपका पूरा जिंदगी है, आगे बढ़ने के लिए एंटर, पीछे आने के लिए एस्केप। तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आऊंगा और येलो पाथ को फॉलो कर रहे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके एंटर दबाऊंगा। तो अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, अभी मैं पहले अकाउंटिंग मास्टर का ग्रुप्स में आऊंगा। कोई भी लेजर को क्लासिफाई करना है तो चार मेन ग्रुप में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। एसेट को भी फर्दर क्लासिफाई करना है तो फिक्स्ड नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में भी इन्वेंट्री अलग, डेटर अलग, कैश अलग, बैंक अलग, राइट। तो ये ग्रुप्स देखिए, वैसे ही पीएल में एक्सपेंस इनकम होता है, एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इस तरीके से होता है ना, राइट। तो अपन को वही देखना है। सबसे पहले हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स का अकाउंटिंग मास्टर का ग्रुप में आएंगे। नाउ देखिए यहां पे 28 ग्रुप बनाया हुआ है, राइट। इसमें 13 सब ग्रुप है, 15 प्राइमरी है। ग्रुप के अंदर ग्रुप 13 है, जैसे कैपिटल के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट में 6 ग्रुप, करंट लायबिलिटी में 3 ग्रुप, लोन में बैंक ओटी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो 28 ग्रुप बनाया हुआ है, एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम में डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा, एक्सपेंस में परचेज अलग रखा गया है और इनकम में सेल को अलग रखा गया है। तो इस तरीके से ग्रुप बनाया हुआ, अभी जब अभी आप लेजर बनाएंगे तो आपको इन ग्रुप्स में डालना है और कुछ नहीं करना। जैसे मैं अगर बात करूं फर्नीचर का तो फर्नीचर जाएगा फिक्स्ड एसेट में, अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक का तो आईसीआईसीआई बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, अगर मैं बात करूं वर्मा का, वर्मा मेरा कस्टमर है तो जाएगा सन्ड्री डेटर में, अगर मैं बात करूं शर्मा का तो शर्मा मेरा सप्लायर है, जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। राइट अभी एक बार एस्केप दबाइए, देखिए वापस से आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ गए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर में आइए। ग्रुप्स में 28 ग्रुप बनाया, अब आपको सिंपली लेजर बनाते हुए ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है। अभी आप लेजर में आइए, तो लेजर में आएंगे तो नीचे आपको 28 ग्रुप दो लेजर दिखाई देगा, नीचे आपको 28 ग्रुप दो लेजर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप लोग, मतलब दो लेजर बनाया हुआ है। तो कौन कौन सा दो लेजर बनाया हुआ है, अभी आप राइट हैंड साइड में देखिए F5, मैं जो भी शॉर्टकट बोल रहा हूँ सब स्क्रीन में है। अभी आप F5 दबाइए, देखिए आपका लेजर आ जाएगा। तो कैश और पीएल हर धंधे में होता है, इसलिए सिस्टम बना के दिया आपको, कैश एंड पीएल हर धंधे में होता है इसलिए आपको बना कर दिया है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे हैव मेड इट फॉर यू, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे हैव मेड इट फॉर यू, राइट। ये दो चीज इन्होंने बना दी है आपके लिए।
इज इट फाइन? ओके, सो नाउ वी विल प्रेस एस्केप। वापस से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ गया। तो ग्रुप और लेजर बनाया हुआ रहता है। अभी मैं इन्वेंटरी मास्टर में आता हूँ। इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम, जैसे मैं डेल कंप्यूटर बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? डेल कंप्यूटर बेच रहा हूँ। स्टॉक आइटम देखो नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि मैं क्या बेच रहा हूँ? मैं घोड़ा बेच रहा हूँ, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं हेलीकॉप्टर बेच रहा हूँ, मैं पेंसिल बेच रहा हूँ, मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं फूड। तो वो टैली को बताना पड़ेगा व्हाट इज योर आइटम, और वो आइटम आप किलोग्राम में बेचते हैं, किलोमीटर में बेचते हैं, क्या कैसे बेचते हैं, व्हाट इज योर यूनिट। तो वो यूनिट भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्वेंटरी मास्टर कुछ भी बनाया हुआ नहीं रहता। अकाउंटिंग मास्टर में खाली ग्रुप्स बनाया हुआ है, हमको लेजर बनाते वक्त सही ग्रुप में डालने का, राइट? एस्केप दबाइए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ गया। फिर एक बार एस्केप दबाइए, वापस से आप गेटवे में आ गए। अब मैं क्रिएट में जाऊंगा, राइट? अब मैं क्रिएट में जाऊंगा, राइट? अब मैं क्रिएट में जाऊंगा। मेन्यू सेम है, मेन्यू दोनों में अलग अलग नहीं है, मेन्यू बिल्कुल भी सेम है दोस्त। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मेन्यू और क्रिएट का मेन्यू, गड़बड़ाना मत, लेकिन ऊपर में हेडिंग देख लेना, यहाँ पे मास्टर क्रिएशन है। तो अभी मेरा काम है सारा लेजर बनाना। लेजर जैसे कौन कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा दोस्त, जल्दी से हम लोग बात करते हैं चैट बॉक्स में। जैसे अगर मैं देखूं, मेरे को बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल बनेगा, राइट? कैश अकाउंट अंडर कैश इन हैंड बना हुआ है ये, देन फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट, वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक अंडर बैंक अकाउंट, राइट? उसी तरीके से परचेस अकाउंट अंडर परचेसेस, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स, कर्मा अकाउंट अंडर कंट्री क्रेडिटर्स, वर्मा अकाउंट अंडर सन्ड्री डेटर्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इज इट फाइन? आइए फटाफट अपने बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने मास्टर क्रिएशन में आ गए, अपने को लेजर बनाना है। लेजर, लेजर में आइए, मास्टर क्रिएशन में अपन को लेजर में आना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड लेजर क्रिएशन फॉर्मेट, राइट? ये हमारा स्टैंडर्ड लेजर क्रिएशन फॉर्मेट है। सबसे पहले अपन को बनाना है अकाउंट में, हम लोग ए ऑब्लिक सी लिख सकते हैं। सो कैपिटल इज अंडर कैपिटल, यस और नो? कैपिटल अकाउंट इज अंडर कैपिटल ओनली, सही है?
राइट। सो कैपिटल हमारा डाउन एरो करके यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में आएगा, मेलिंग डिटेल में हम लोग को फोकस नहीं करना है अभी, वी डोंट नॉट रिक्वायर टू सबको राइट नाउ टू फोकस ऑन द मेलिंग डिटेल राइट। अभी एंटर दबा दबा के नीचे आने का दरकार नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट मतलब ए के नीचे डबल लाइन मतलब कंट्रोल ए, देखिए कैपिटल अकाउंट सेव हो गया राइट। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट, ओके गलती से मेरा फर्नीचर अकाउंट सेव हो गया, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मेरा माउस दब गया था इसलिए। तो फर्नीचर अकाउंट विल बी अंडर, अंडर में आया और फिक्स टाइप करो, देखो आ जाएगा फिक्स एसेट। राइट मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन अभी नहीं, बाद में देखेंगे, एंटर दबाइए राइट, कंट्रोल ए दबा के सेव कर दीजिए, सेव हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई लेजर सेव करते हैं ना तो आपको वो अंडर छोड़ के चला जाता है, कट माय पॉइंट। सो कैपिटल इज अंडर कैपिटल, फर्नीचर इज अंडर फिक्स्ड एसेट। नाउ आईसीआईसीआई बैंक, ICICI बैंक इज अंडर बैंक अकाउंट, सो बैंक टाइप किया मैंने, देखो तीन चार ऑप्शन दिखा रहे हैं, मैं डाउन एरो सेलेक्ट करूंगा। बैंक अकाउंट इज अंडर नॉर्मल बैंक, इट इज नॉट अंडर ओसीसी एंड ओडी, ICICI बैंक इज अंडर बैंक अकाउंट। अभी आप चाहें तो अकाउंट नंबर ये सब डाल सकते हैं, बट अपन को मतलब नहीं है, कंट्रोल दबा के सेव करो। अब नेक्स्ट इज हमारा परचेज अकाउंट, इट विल बी अंडर परचेजेस, पीयूआर टाइप करो, परचेज आ गया। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका ये मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन नहीं दिखा रहा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं। अगर आपका मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन नहीं दिखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन चाहिएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा क्या करना पड़ेगा राइट। कंट्रोल ए दबा के सेव कर दिया। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट विल बी अंडर सेल्स, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। सेल्स अकाउंट विल बी अंडर सेल्स, राइट, कंट्रोल दबा के सेव। नाउ शर्मा अकाउंट, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। नाउ सन्ड्री में भी दो ऑप्शन है, डाउन एरो करके क्रेडिटर में आएंगे। जब भी आपको मल्टीपल ऑप्शन, या तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं या आप टाइप कर सकते हैं, दोनों फैसिलिटी है आपके पास। स्क्रॉल करने से टाइप करना, टाइप नहीं कर पाएंगे राइट। तो पहले छोटा कर लीजिए लिस्ट को, सन्ड्री क्रेडिटर। Maintain balance bill by bill, yes होगा, this is the feature।
हर आदमी का आप अलग अलग हिसाब रख सकते हैं ना। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। राइट, एंटर एंटर मेलिंग डिटेल में फोकस करने का कोई दरकार नहीं है, कंट्रोल है। वैसे ही वर्मा अकाउंट कंट्री डेटर में आएगा, ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल दबा के से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सर ऑप्शन है डाउन एरो करके, एक्विजिशन नॉट एप्लीकेबल। Is it fine, everyone? I guess. चलिए, so control है, save हो गया। अभी हमने practically 8 से 9 ledger बनाए हैं and मेरे को सारा ledger देखना है, तो देखने के लिए मेरे को वापस से chart of accounts पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप यहां से भी जा सकते हैं। यहां से आप कैसे जाएंगे, देखिए ऊपर में आपको go to का ऑप्शन दिया हुआ है, go to उसके बगल में जी, उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन, सिंगल मतलब ऑल्ट होता है। अभी आप ऑल्ट जी दबाइए, ऑल्ट जी दबाया, आप टाइप भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है ऊपर में, और स्क्रॉल भी कर सकते हैं, तो आप टाइप करिए चार्ट, देखिए लिस्ट छोटा हो जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको लेजर देखना है ना, लेजर में आइए, देखिए आपको 28 ग्रुप 10 लेजर दिखाएगा, क्योंकि आपने 8 लेजर बनाया अभी, और पहले आपको बनाने के पहले 28 ग्रुप 2 लेजर दिख रहा था, अब आपको 28 ग्रुप 10 लेजर दिख रहा है। खाली लेजर देखना है, F5 लेजर वाइज। देखिए कैपिटल आपने कैपिटल में बनाया, कैश बना हुआ रहता है, डेप्रिसिएशन आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाया, फर्नीचर आपने फिक्स्ड एसेट में बनाया, आईसीआईसीआई बैंक को बैंक पे बनाया, पीएल आपका प्राइमरी, परचेज आपका परचेज, सेल आपका सेल्स, शर्मा आपका क्रेडिटर, वर्मा आपका डेटर। अभी गो टू ऑप्शन का खासियत क्या मालूम है, जिधर से आप आए थे आपको उधर ही लाके छोड़ेगा, जिधर से आप आए थे ना आपको उधर ही लाके छोड़ेगा। तो एक बार एस्केप दबाइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और एक बार एस्केप दबाइए, देखिए आप लेजर क्रिएशन से गो टू यूज किया था, वापस से आपको लेजर क्रिएशन में लाके छोड़ दिया, मतलब जिस रास्ते आपको लेके जाएगा उसी रास्ते आपको लेकर आएगा। इसको मालूम है, वो बुलाएगी लेकिन जानेगा नहीं। दिस गो टू फीचर नोज टू गो इन द सेम डायरेक्शन एंड कम बैक इन द सेम डायरेक्शन। नाउ लेजर बन गया, अब हमको इन्वेंटरी मास्टर में फोकस करना है। नॉर्मली पीछे आने के लिए एक बार एस्केप दबाते हैं, बट किसी भी क्रिएशन पेज के पीछे आना है तो 2 बार एस्केप, एक बार दो बार। तो देखिए वापस से आप मास्टर क्रिएशन में आ गए, वापस से आप मास्टर क्रिएशन में आ गए। राइट, तो आज हमारा एक ही आइटम है, कोई ग्रुप बनाने का दरकार नहीं, कोई कैटेगरी बनाने का दरकार नहीं है, सीधा हम अपन स्टॉक आइटम बनाएंगे। लेकिन स्टॉक आइटम के पहले आपको यूनिट बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कैसे बेचना चाहते हैं, आप किलोग्राम वाइज बेचेंगे, लीटर वाइज बेचेंगे कि पीस वाइज बेचेंगे। सर कंप्यूटर पीसेस वाइज बिकता है, तो हमको यूनिट में जाना है, यूनिट में मेरे को सिंबल होगा पीसीएस, फॉर्मल नेम में आएगा पीआईसीएस,
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जीरो, एंटर, एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, यस मतलब एंटर, यूनिट बन गया। दो बार एस्केप दबाइए, वापस से मास्टर क्रिएशन में आ जाएंगे। आ गया, अब स्टॉक आइटम बनाना अपन को, अब अपन को स्टॉक आइटम बनाना है। ग्रुप कैटेगरी आज नहीं, स्टॉक आइटम में नाम देंगे हम, क्या आइटम बेच रहे हैं, डेल कंप्यूटर। इन्वेंटरी में कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं आएगा, जो आइटम हम बेच रहे हैं उसका नाम बनाएंगे। डेल कंप्यूटर यूजुअली प्राइमरी में बनेगा, राइट right? कोई ग्रुप नहीं बनाया हमने, कैटेगरी भी नहीं बनाया, यूनिट में अपन पीसेस डाल देंगे। अगर आपने यूनिट नहीं डाला, सारा काम आपका धरा का धरा रह जाएगा। अगर आपने यूनिट नहीं डाला, सारा काम आपका धरा का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। यूनिट डालना आपके लिए मस्ट है, मस्ट। अगर आपने यूनिट नहीं डाला, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्लियर? कंट्रोल इन दबा के सेव कर दो, आइटम भी बन गया हमारा। दो बार एस्केप दबाइए, बाहर आ जाइए। अब यहां देखिए, और भी बहुत सारा मास्टर्स है, बट वो बनाया हुआ रहता है। करेंसी INR बनाया हुआ है, वाउचर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डे बुक्स, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, कैश बुक, ये सब बनाया हुआ है हमारे सिस्टम में। ग्रुप कैटेगरी बनाना नहीं है, गोडाउन आज बनाना नहीं है, बाकी सब हमारा बन चुका है। एक बार और एस्केप दबा के गेटवे में आ जाइए। तो सर हमने बना लिया, हमने देख भी लिया बनाने के बाद, अब हम ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। आफ्टर मास्टर क्रिएशन वी विल गो टू द ट्रांजैक्शन सेक्शन। नाउ ट्रांजैक्शन में डेबुक मतलब आप पास्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपने एंटर किया उसको देख सकते हैं। बट सर अभी तक तो हमने कुछ एंटर ही नहीं किया, इसलिए देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है, नो वाउचर्स एंटर्ड। अब मैं वाउचर एंटर करूंगा, वाउचर मतलब अकाउंटिंग एंट्री करना, तो मैं वाउचर में आऊंगा। अभी आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, F4 कॉन्ट्रा, देखिए कॉन्ट्रा आ गया, F5 पेमेंट, F6 रिसीव, वाउचर चेंज होते जा रहे हैं, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज, इस तरीके से। तो अभी हमारे सामने 8 ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर 8 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। यू कैन इजीली फाइंड 8 ट्रांजैक्शंस इन योर स्क्रीन, डोंट यू? यस सर, आई कैन फाइंड आउट 8 ट्रांजैक्शंस इन माय स्क्रीन। तो सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन है, पैसा आया है बिजनेस में। जो भी ट्रांजैक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेट एंटिटी। मैं बीच बीच में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बताते जाऊंगा। सेपरेट एंटिटी बोलता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस is to be recorded separate in business books, owner point of view से नहीं, business point of view से, business का inflow outflow से मतलब अपन को। तो business में पैसा आया है, F6 में जाएंगे हम लोग, F6 देखो receipt number 1 आ गया। सर यहाँ पे तो debit credit नहीं है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप single entry mode में कर सकते हैं, double entry mode, खाली layout का फर्क है। आप एक बार control H दबाइए, देखिए control H मतलब मैंने कैसे समझा, control H चेंज मोड यहां पे दिख रहा राइट हैंड साइड में, एच के नीचे डबल अंडरलाइन, इसका कंट्रोल एच, कंट्रोल एच में आपको सिंगल एंट्री डबल एंट्री, डबल एंट्री मतलब वो डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट। सर अपन को डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं जाना, अपन को सिंगल एंट्री मोड में सीखना है। सिंगल एंट्री मोड का मतलब ये नहीं कि खाली एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड दोनों एस्पेक्ट ही होगा, फॉर्मेट सिंगल एंट्री है, राइट? तो सिंगल एंट्री फॉर्मेट में ही हम लोग एंट्री करेंगे। रिसीव में क्या रिसीव हुआ है, या तो कैश या बैंक, दो ही जगह रिसीव हो सकता है। रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट ऑफ मनी, देखो खुद पूछ रहा है रिसिप्ट ऑफ मनी कैश में हुआ है कि बैंक में हुआ है, कैश में हुआ है तो यहाँ पे CAS टाइप करिए, देखिए कैश ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है। कैश सेलेक्ट कर लिया, किससे रिसीव हुआ है, पर्टिकुलर पूछ रहा है, कैपिटल CAP टाइप किया आ गया कैपिटल, एंटर, कितना रिसीव हुआ है, 1 लाख। So this is cash account debit to capital, but single entry mode.
सेकेंड लाइन, और कोई चीज रिसीव हुआ है? नहीं सर, और कुछ नहीं, खाली ओनर से 1 लाख रुपए मिला है। एक ट्रांजेक्शन में एक ही चीज दिखाएंगे, राइट? एंटर दबाइए, सीधा नरेशन आया, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। ठीक है, एंटर दबाएंगे, देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन मांगेगा, एक्सेप्ट कर दीजिए एंटर दबा के। अभी देखिए आपका रिसीप्ट नंबर 2 हो गया, वाउचर नंबर चेंज हो गया। नेक्स्ट, अब आपने पेमेंट किया है, फर्नीचर खरीदने के लिए पेमेंट किया ना, तो अब आप F5 में आ जाइए, देखिए पेमेंट नंबर 1 दिखाएगा। तो रिसीप्ट में हमने ऊपर क्या डाला, या तो हमको कैश में रिसीव होगा या बैंक में रिसीव होगा। पेमेंट में भी ऊपर क्या आएगा, या तो कैश में पे होगा या बैंक से पे होगा। तो फर्नीचर खरीदते वक्त कैश में पेमेंट हुआ है कि बैंक से पेमेंट हुआ है? कैश में पेमेंट हुआ, देखो कैश आ गया ऊपर। ओ, सिंगल एंट्री मोड का मतलब ये है, ये तो बोल बोल के अकाउंट हो गया, बोल बोल के अकाउंट, बोल बोल के अकाउंट, DBK, एकदम सिंपल है। रिसीप्ट में जो रिसीव होगा वो ऊपर लिख देंगे। हम लोग कैशबुक बनाते हैं ना, यहाँ पे कैशबुक पे 3 पार्ट को तोड़ा गया, कॉन्ट्रा अलग, पेमेंट अलग, रिसीप्ट अलग। तो रिसीप्ट ऑफ मनी अलग, पेमेंट ऑफ मनी अलग, कॉन्ट्रा अलग। तो रिसीप्ट ऑफ मनी में या तो कैश इन हैंड या बैंक, पेमेंट में या तो कैश इन हैंड यूज हुआ है या बैंक यूज हुआ है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड यूज हुआ है, किसलिए यूज हुआ? फर्नीचर के लिए यूज हुआ। कितने का फर्नीचर है? 20,000 का फर्नीचर है, खत्म बात। एंटर। और कोई चीज के लिए यूज हुआ क्या? नहीं सर। एंटर, बीइंग Being furniture purchased in cash. Right, receipt of money हो गया, payment of money हो गया। अभी contra है, क्योंकि bank में पैसा जमा हुआ, पैसा आपने cash जमा दिया है। तो देखो जैसे ही इसको save किया, payment number 2 आ गया हमारा। अभी F4 कॉन्ट्रा में आया, तो बैंक में जमा हुआ, कैश पे किया, रिसीप्ट में रिसीप्ट ऊपर लिखता है, पेमेंट में पेमेंट ऊपर लिखता है, कॉन्ट्रा में हमेशा रिसीप्ट वाला ऊपर लिखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा में कैश भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, राइट? तो रिसीप्ट वाउचर में या तो रिसीप्ट ऑफ मनी इन कैश या रिसीप्ट ऑफ मनी इन बैंक,
पेमेंट में या तो रिसीप्ट ऑफ पेमेंट थ्रू कैश या पेमेंट थ्रू बैंक, कॉन्ट्रा में जो रिसीव होगा वो ऊपर, तो कैश डिपॉजिटर में बैंक रिसीव कर रहा है, कैश विड्रॉन में कैश इन हैंड में बढ़ रहा है, दैट कॉमन अकाउंटिंग सेंस है। तो यहाँ पे बैंक वन बैंक ऊपर आएगा, विड्रॉवल में कैश ऊपर आएगा, राइट। एक्स बैंक से वाई बैंक में डाला, ये भी कॉन्ट्रा है, दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मेरा ही दो बैंक है एक्स वाई से वाई बैंक, तो वाई बैंक ऊपर आएगा क्योंकि वाई बैंक में रिसीव हो रहा है, एक्स बैंक नीचे आएगा, राइट। तो जहां पे रिसीव ऑफ मनी होगा वो ऊपर आएगा, रिसीप्ट में रिसीप्ट ऑफ मनी ऊपर आएगा, पेमेंट में पेमेंट ऑफ मनी ऊपर आएगा, कॉन्ट्रा में रिसीप्ट ऑफ मनी ऊपर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक में कैश जमा हुआ है कितना, 30,000, एंटर। सेकेंड लाइन में और कुछ जमा हुआ है क्या, नहीं, एंटर। अभी देखो सीधा यहां पे नरेशन नहीं आया, क्योंकि जब जब बैंक टर्म यूज होगा ना, आपका बैंक का पेज भरना पड़ता है, बैंक में जब आप पैसा जमा देते हैं ना तो बैंक का कागज जमा लेके डिपॉजिट स्लिप लेके जाते हैं, उसमें आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, क्या डिनोमिनेशन का नोट है, ये सब आपको डालना पड़ता है। तो यहां पर भी वही चीज है, इसलिए देखिए आपका अलग से, यहाँ पे आपका अलग से एक पेज आएगा। अभी टोटल अमाउंट आया ना, अभी मैं एंटर दबाऊंगा, देखिए अलग से एक पेज आया, आपने कैश जमा किया 30,000, हाँ एंटर, तो 2,000 का 15 नोट मैंने जमा किया है, 20 सितंबर है, बंद जमा करके नक्की करो, 2,000 का 15 नोट है 30 सितंबर के पहले जमा करके नक्की करो, डिनोमिनेशन पेज भर दिया, एंटर। अब कैश जमा किया तो पॉकेट से जमा किया, अगर किसी बैंक का चेक होता तो यहाँ पे बैंक नेम लिख देता मैं, ड्रॉवर बैंक का, बट कैश का क्या बैंक नेम होता है, कुछ नहीं होता, जहां मैंने जमा किया वो तो मैं ऊपर लिख ही चुका हूं। नरेशन में एंटर दबाइए, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। एंटर दबा के सेव करिए। नेक्स्ट हमने परचेस किया है तो F9 में जाएंगे, देखो कॉन्ट्रा नंबर 2 आ गया ना, अभी हमारे F9 में जाएंगे ना, F9 में भी अलग अलग मोड होता है, देखिए यहां पर भी चेंज मोड का ऑप्शन है ना, परचेज ऑफ गुड्स हुआ है, गुड्स मतलब जिस आइटम में हम ट्रेड करते हैं, कंट्रोल एक्स दबाइए, अलग अलग मोड है। देखिए क्या आपको आइटम का नाम मालूम है, हाँ सर मालूम है, कितना क्वांटिटी खरीदा मालूम है, तो हमेशा आप आइटम इनवॉइस में जाएंगे, अगर आपका आइटम का नाम नहीं मालूम है तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाएंगे, अगर आपका आइटम का नाम क्वांटिटी ये सब मालूम है आइटम इनवॉइस में जाएंगे। आइटम इनवॉइस में जाने से क्या होता है मालूम है, डायरेक्टली आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, आपको माथापड़ी करने का दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम लिखने का मौका देगा, क्वांटिटी लिखने का मौका देगा, रेट लिखने का मौका देगा, ये सब आपको मौका देगा। आज हम लोगों के पास में इनवॉइस नंबर नहीं है, अगर होता तो हम इनवॉइस नंबर डालते रेफरेंस के तौर पे, बट अभी नहीं है, आप एंटर दबाइए, डेट आप छोड़ दीजिए, ये इनवॉइस का डेट होता है, हमेशा डेट ऑफ रिकॉर्डिंग बाद का होना चाहिए, इनवॉइस मिलने के पहले आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते, राइट, तो ये कॉमन सेंस लगाइएगा। पार्टी नेम में आपने शर्मा से खरीदा है,
पार्टी नेम में आप कैश में भी खरीद सकते हैं, बैंक के थ्रू भी खरीद सकते हैं। वर्मा को तो आपने देखा है, तो शर्मा आएगा। अभी देखिए आपका पार्टी डिटेल्स वाला पेज आ रहा है, राइट। नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस, आई टेल यू, जस्ट वेट। अभी आप शर्मा है ना, अभी आप एक बार F12 में, एक सेकंड रुक जाइए, प्रोवाइड रिसीप्ट ऑर्डर में यस करता हूं, कंट्रोल ए। अभी देखिए आपका शर्मा के बाद ये वाला पेज आया क्या, यू मस्ट हैव गॉट दिस पेज। इसका क्या मतलब है मालूम है, आपका चालान नंबर, कौन सा लॉरी वाला माल लेके आया, उसका एजेंट का नाम क्या, ये सारा डिटेल आप डाल सकते हैं। मतलब गुड्स रिसीविंग का डिटेल्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे, चालान नंबर ये सब आप डाल सकते हैं, बट हमारे पास अभी कुछ नहीं है। इसको मैं इस पेज को एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा, कंट्रोल ए। वैसे पार्टी डिटेल्स में आप देख सकते हैं शर्मा है, मेलिंग नेम में शर्मा है। अभी अपने को मतलब नहीं, अपन उतना फोकस नहीं करेंगे, एज इट इज कंट्रोल ए। राइट तो आपने पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया, पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको दो पेज आएगा, एक आएगा आपको रिसीव डिटेल मांगेगा, गुड्स का रिसीविंग डिटेल, चालान नंबर क्या है, क्योंकि गुड्स जब मिलता है तो उसका एक चालान नंबर होता है, चालान नंबर क्या है, कौन सा एजेंट माल लेके आए, कौन सा कैरियर माल लेके, वो सारा डिटेल आप उस पेज में डाल सकते हैं। पार्टी डिटेल्स में आप कौन सा सप्लायर है, उसका उसका एड्रेस क्या है, वो सब चीज आप डिटेल देख रहे थे वहां पे। बाहर आ गया, परचेस एजेंट में परचेस डालेंगे, राइट। अब आपका नेम ऑफ आइटम आ गया, नेम ऑफ आइटम में आप डेल कंप्यूटर देख सकते हैं, आपने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप DE टाइप करिए, आपको डेल कंप्यूटर दिखाएगा। अब कितना क्वांटिटी आपने खरीदा, 10 डालिए, रेट क्या है, 10,000 डालिए, तो देखो आपका पर पीस आ गया ऑटोमेटिकली, टोटल अमाउंट आपका 1,00,000 आ गया, राइट। इससे क्या होगा, आपका परचेज वैल्यू भी आ गया और इन्वेंट्री का डिटेल भी मेंटेन हो गया। यही अकाउंट्स में हम लोग क्या करते थे, परचेज टू शर्मा, अपन क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा, 1,01,000। लेकिन यहां पे परचेज टू शर्मा तो हुआ है, बट अमाउंट डिफरेंट तरीके से आया है, 10,000 रेट आ गया, 1,00,000 हो गया टोटल अमाउंट, ऑटोमेटिकली आ जाता है टोटल अमाउंट। एंटर दबाइए, सेकंड लाइन में आप दूसरा आइटम HP कंप्यूटर, Lenovo कंप्यूटर नहीं है ना, एंटर दबाइए, एक लाइन छोड़ के आया। अभी आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह लिख सकते हैं, बट हमारे सब में नहीं है, आने वाले क्लासेस में आएगा। वापस से देखिए नरेशन नहीं आया, वापस से टोटल अमाउंट में आ गया, मतलब पक्का अलग से कुछ एक पेज आएगा, जैसे बैंक जब डाला था तो अलग से एक पेज आया था, जैसे यहां पर भी एक अलग से एक पेज आ रहा है। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस पूछ रहा है, 1,00,000 का जो बिल बाकी है, ऑब्वियसली बाकी है, तभी तो आपने शर्मा अकाउंट लिखा है, ये आपको देना है कि आपने दे दिया, ये आपको देना है सर, दे दिया नहीं सर, आपको देना है ये, तो हमेशा न्यू रेफरेंस करेंगे, जब जब देना होगा या लेना होगा हमेशा न्यू रेफरेंस। रेफरेंस का नेम आप डाल सकते हैं, यूजुअली सप्लायर इनवॉइस नंबर जो होता है ना वही मेरा नाम आ जाता है, बट हमने आज को डाला नहीं बोल के, हमारा 1 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आप यहाँ पे ड्यू डेट डाल सकते हैं, एंटर दबाइए, आप ड्यू डेट डाल सकते हैं कि ये कितने तारीख को ये पैसा ड्यू होने वाला, अभी मैं कुछ नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट आज ही ड्यू हो जाएगा, तो इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट कि कितने दिन का बिल ओवर ड्यू हो चुका है। टोटल अमाउंट 1,00,000, मैं चाहूं तो इसको 20,000 का 5 किस्ती बना सकता हूं, जो मैं आपको आने वाले क्लासेस में सिखाऊंगा, राइट। अमाउंट में क्रेडिट है पेबल, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए बिल एलोकेशन अप टू 1,00,000 लिखा है और यहाँ पे 1,00,000 का हिसाब हो चुका। प्रॉपरली इंस्टॉलमेंट कैसे बनाते हैं अपन अगले क्लास में सीखेंगे।
एंटर दबाया, नरेशन आ गया, बीइंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, एंटर दबा के हम एक्सेप्ट कर दिया। अब ये परचेज नंबर टू हो गया, देखिए ऑटोमेटिकली जब आप सेव करेंगे, जब तक आप सेव नहीं करेंगे आप दूसरे के बारे में सोचिएगा मत, देखिए आपका ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे ना आपका ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर चेंज होता जाएगा। राइट, अभी मैं F8 में आऊंगा, सेल मैंने वर्मा को किया है, जैसे वहां पे रिसीव डिटेल आया था, यहाँ पे मैं जब गुड्स भेजता हूं तो उसका चालान डिटेल आएगा, मैं भी तो किसी लॉरी वाले को दूंगा, कोई कैरियर वाले को दूंगा, जाओ गुड्स पहुंचा के आओ, तो वो डिटेल मैं रेफरेंस के तौर पर डाल सकता हूँ, बट हमारे पास है नहीं, कंट्रोल है। पार्टी डिटेल्स एज इट इज सेव करेंगे, कंट्रोल है। सेल्स लेजर में सेल्स आएगा, जैसे मैं परचेस की एंट्री की थी सेम वैसे ही। अब आप देखिए मैं आइटम बेचा हूं, मैं DE टाइप करूंगा, DE, देखिए ऑटोमेटिकली मेरा डेल कंप्यूटर 10 पीस दिखा रहा है, तो मैं डेल कंप्यूटर सेलेक्ट किया, क्वांटिटी में मैं 7 डालूंगा बाय डिफॉल्ट, क्वांटिटी में मैं 7 डालूंगा, ठीक है, एंटर दबाया, रेट मेरा 15,000 है, पर पीस आ गया 1,05,000, अमाउंट ऑटोमेटिकली डन, एंटर। सेकंड लाइन में हम सेकंड आइटम डालेंगे, राइट, एंटर दबाया, एक लाइन छोड़ के आया मैं, चार्जेस वगैरह नहीं है, एंटर। अगेन देखें यहाँ पे जैसे परचेज में हमारा पेबल का रेफरेंस बनाया था ना, वैसे अब रिसीवेबल का बनाएंगे, एंटर दबाइए, न्यू रेफरेंस, सेल नंबर 1 है इसलिए रेफरेंस नेम बना गया, ड्यू डेट वगैरह आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, 1,05,000, चाहे तो मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, डेबिट मतलब रिसीवेबल, एंटर दबा के बाहर आ गया, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, एंटर दबा के एक्सेप्ट। तो हमने एक रिसीप्ट कर लिया, एक पेमेंट कर लिया, एक कॉन्ट्रा कर लिया, एक परचेस कर लिया, एक सेल कर लिया। अभी F7 जनरल में आएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री F7 में होगी,
आपका बोलने का मतलब जैसे आपका सेल्स जो है, सेल्स का टोटल जो आप फेयर वैल्यू एक्सेल दीजिए उसमें ये इसका ये दोनों फिगर है जीरो हो जाएगा, और इसका जो अगर नहीं दिखाएगा तो आप सीआर टाइप कर सकते हैं। क्रेडिट फर्नीचर 2000 आ गया। बीइंग Being depreciation provided on furniture, depreciation account debit to furniture. ठीक है, एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लिया। तो सारा वाउचर मैंने आपको एक एक सिखा दिया, F4 एक कॉन्ट्रा सिखाया, एक पेमेंट सिखाया, एक रिसीप्ट सिखाया, एक जनरल सिखाया, एक सेल सिखाया, एक F9 सिखाया। अभी बोला है कि हमने शर्मा को पे ऑफ किया है, पेड टू शर्मा हाउ मच, पेड टू शर्मा कितना है देखो तो पीडीएफ में चेक करो। तो उसके लिए मेरे को F5 में जाना पड़ेगा, पहले से रिसीव हुआ है वर्मा में आ जाते हैं F6 में ना। अब की बार जो रिसीव हुआ वो बैंक में रिसीव हुआ, देखो चेक मिला है वर्मा से, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग बैंक में पैसा मिला है, तो अब की बार मैं रिसीप्ट ऑफ मनी इन बैंक है तो ऊपर में ICICI बैंक लिखूंगा। रिसीप्ट ऑफ मनी कैश में होगा तो ऊपर में कैश आएगा, बैंक में आएगा तो बैंक। किससे मिला? वर्मा से मिला। राइट। नाउ वर्मा का आप करेंट बैलेंस देख रहे हैं 1,05,000। वर्मा का आप करेंट बैलेंस देख रहे हैं 1,05,000। अभी आप वर्मा को कितना रुपया दिए हैं? अभी आपने वर्मा को दिया 50,000, 50,000। राइट, एंटर दबाइए, देखिए आपको रेफरेंस पूछेगा। अब आपने नया पैसा दिया है, नया पैसा मिला है कि आपको पुराना बिल का पैसा मिला है?
तो उस समय अगेंस्ट रेफरेंस वर्ड यूज होगा। जब रिसीवेबल आपने क्रिएट किया तो न्यू, अब अगेंस्ट, तो जैसे आप अगेंस्ट सेलेक्ट करेंगे देखिए आपको लाइन से सारा बिल दिखा देगा। अभी वर्मा का एक ही बिल बाकी है, इसी बिल का पैसा मिला है हमको 50,000, जब लेना था तो रिसीवेबल डेबिट, अभी क्रेडिट कर रहे हैं। सर जब माल बेचा ना F8 में तो न्यू रेफरेंस किया, अभी पैसा मिला है तो अगेंस्ट रेफरेंस होगा, उस समय डेबिट था अभी क्रेडिट होगा। डन, राइट? और किसी से कुछ मिला है? एक बार में एक ही आदमी का। देखिए वापस से आपका टोटल अमाउंट आया, नरेशन नहीं आया, क्यों? क्योंकि वापस से ऊपर में बैंक है, तो बैंक आने से तो बैंक के एलोकेशन पे जाएगा ना पन्ना। जब आप चेक जमा करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं चेक नंबर क्या था, कौन से बैंक का चेक है, इतना रुपए का चेक है, ड्रॉन ऑन दिस बैंक, तब आप जाके वो काउंटर फॉइल के साथ में जमा देते हैं डिपॉजिट स्लिप। आजकल तो चेक के पीछे में आपका अकाउंट नंबर और वो सब लिख देने से हो जाता है, बट ठीक है, वो स्लिप भी भरना पड़ता है काफी सारे बैंक में। एंड ये सब आप बैंकिंग डिटेल इसलिए डाल रहे क्योंकि आपको रिकंसिलिएशन भी सिखाऊंगा मैं। तो चेक से पैसा मिला, 50,000 मिला, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, ₹2,34,000, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर ₹2,34,000, राइट? आज का डेट का ही चेक है, एंटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरे यहां पे स्पेसिफाई बैंक में मारा, यहां पे आप लिख दीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से बैंक का चेक है, तो रिकंसिलिएशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बैंक का पर्टिकुलर आपको डालना है, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम वर्मा आपको फिर पहले भी करना है, पहले तो नेपाल में शुरू है, ठीक है? अब अपन को पेमेंट करना है F5। अब हम लोग को पेमेंट करना है F5। तो ICICI बैंक से पेमेंट हो रहा है, शर्मा को पेमेंट हो रहा है, शर्मा को, शर्मा का करेंट बैलेंस देखिएगा दोस्त, 1,00,000 दिखा रहा है। पैसा आपने 40,000 दिया, अब जब पैसा देना था तो न्यू रेफरेंस, अब दे दिया तो अगेंस्ट, एक ही बिल बाकी है 40,000 का, उस समय देना था क्रेडिट, अभी डेबिट।
राइट, एंटर। और किसी का पेमेंट नहीं, एक बार में एक ही आदमी का। अगेन बैंकिंग डिटेल आएगा क्योंकि बैंक सेलेक्ट किया हमने, कौन सा चेक इश्यू किया, क्या नंबर था, ये सब आपको बताना पड़ेगा ना। एंटर दबाइए। चेक से पैसा दिया, चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर 100001। ठीक है, बीइंग, यहां बैंक नेम नहीं पूछा गया क्योंकि मैं अपने ही बैंक का चेक दूंगा ना। बीइंग चेक इश्यू टू शर्मा, एंटर दबा के हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो मैंने आपको दो पेमेंट, दो रिसीप्ट, एक कॉन्ट्रा, एक परचेज, एक सेल, एक जनरल करवाया, राइट। अभी मेरे को और कोई वाउचर एंट्री नहीं करना है, दो बार एस्केप दबा के मैं वापस से गेटवे में आ जाऊंगा, राइट। अब मैं चाहूं तो मैं बहुत सारा रिपोर्ट देख सकता हूं क्योंकि मैंने 7-8 ट्रांजैक्शन पास किया है, तो मैं डेबुक में आके सारा ट्रांजैक्शन लाइन से देख सकता हूं, जो जो मैंने पास किया है, रिसीप्ट किया, पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, परचेज किया, सेल किया, जनरल किया, फिर रिसीप्ट किया, पेमेंट किया, राइट। किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज एडिट करना है तो मैं उसमें घुस सकता हूं। सपोज करो मेरा डेप्रिसिएशन 2500 होना चाहिए, तो मैं इसमें घुस जाऊंगा, एंटर एंटर, अमाउंट में 2500 कर दिया, एंटर एंटर एंटर, फर्नीचर ऑटोमेटिकली 2500 हो गया, एंटर एंटर एक्सेप्ट, बाहर आ जाएगा 2500 हो गया। तो सारा साइमल्टेनियस कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। एस्केप दबा के गेटवे में आया। अब मेरे को कोई भी रिपोर्ट देखना, मैं देख सकता हूं बैलेंस शीट, पीएल, कुछ भी। मैं बैलेंस शीट में आया, ये बैलेंस शीट को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को खोलने के लिए ऑल्ट F1, लैपटॉप में F1 से लेके F12 दबाने के लिए आपको Fn का बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो पूरा बैलेंस शीट रेडी हो गया, आ गया। बैलेंस शीट को खोलने के लिए ऑल्ट F1, तो लैपटॉप वाले फंक्शन ऑल्ट F1। अब जैसे देखिए, आपने 7 पीस बेचा, एक एक पीस में आपने 5000 करके कमाया था, 35000 और 2500 आपका डेप्रिसिएशन, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस 32500 आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में घुसिए, अगेन यहां ऑल्ट F1 करी, देखिए पूरा पीएल आ गया, परचेज 1 लाख का था, सेल 1,05,000, 3 पीस क्लोजिंग स्टॉक बच गया। और वो भी क्लोजिंग स्टॉक देखिए कॉस्ट प्राइस पे निकाल कर दिया आपको, एक बार एस्केप दबाइए, देखिए आप बैलेंस शीट में आ गए। फर्नीचर 20,000 का था, लेस 2,500 डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आ गया, डेटर क्रेडिटर सब आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं। एस्केप दबाइए, गेटवे में आ जाइए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी डिफरेंट रिपोर्ट्स। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव सिंपली क्रिएटेड लेजर, इन्वेंट्री एंड पास जनरल एंट्री, दैट्स इट। हमारा लेजर अपने आप बना, ट्रायल बैलेंस अपने आप बना, ट्रेडिंग ट्रेल बैलेंस शीट सब कुछ अपने आप बना, खाली मेरे को रिपोर्टिंग देखना है और मेरे को स्टेक होल्डर्स को पकड़ाना है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जनरेट होते हैं, वो अपने टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड देख लेंगे, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास विल बी अपडेटेड इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।